तो हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इज़वा सवार। मैं शुजुद्दीन और अब्दुल के इज़वा सवार यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ गाइस ओप्पो डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जितना सारा फ्रेंड गाइस ओप्पो डिवाइस यूज़ करते हो, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो के अंदर जितना सारा फ्रेंड ओप्पो डिवाइस यूज़ करते हो और उसके अंदर से गेम स्पेस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो बहुत सारा ओप्पो डिवाइस ऐसा है कि एंड्रॉइड वर्जन बहुत ही कम है, कई तरह के दिन से गाइस अपडेट नहीं आया, बहुत दिन से अपडेट नहीं आया। तो गाइस गेम स्पेस की अपडेट भी नहीं हो रहा। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कौन सी गेम स्पेस आपका डिवाइस के अंदर से सपोर्ट करने वाला है, उसके साथ साथ गेमिंग कुछ सेटिंग दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर से गाइस वो सेटिंग सेट करके आप लोग जो भी गेम खेलोगे गाइस गेम अच्छे से खेल पाओगे। ओके, तो चलो गाइस टाइम नष्ट ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारा फ्रेंड गाइस अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, नीचे देखो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी बटन प्रेस कर देना, आने वाला टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। से देखो क्योंकि गाइस आज इस वीडियो के अंदर ओप्पो की गाइस लेटेस्ट कुछ गेम स्पेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओप्पो डिवाइस के अंदर से अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग, उसके साथ साथ गेमिंग कुछ सेटिंग दिखाने वाला है, जहां पर सबका गेम परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चलेगा, एंड्रॉइड वर्जन बहुत ही कम हो कि ज़्यादा हो। ओके, तो चलेगा इस टाइम ना करके शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो लेना। ओके, क्योंकि गाइस फास्ट अपडेट यहाँ पर से मिल जाते हैं और एक ही सुविधा सारी फ्रेंड को मिलता है, जैसे कि मैंने हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, ऊपर टाइटल को ऊपर क्लिक करके मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो लेना, क्योंकि गाइस फास्ट अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चले गाइस अभी बात कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गेम स्पेस गाइस आप लोगों को डिवाइस के अंदर से देखो एंड्रॉइड वर्जन पहले चेक कर लेना। ओके, पहले आपका डिवाइस के अंदर से एंड्रॉइड वर्जन, बहुत सारा फ्रेंड ऐसा कमेंट करते कि मेरा डिवाइस के अंदर से गेम स्पेस वर्क नहीं करता, तो उसका सजेस्ट करूंगी कि एंड्रॉइड वर्जन अबाउट फोन के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, एंड्रॉइड वर्जन मेरा 10 है। ओके, तो आप लोग ऐसे एंड्रॉइड वर्जन देख लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर से देखो मैंने बहुत सारा गेम स्पेस अपडेट करके रखा है टेलीग्राम चैनल पर, तो जिन जिन फ्रेंड का इस गेम स्पेस ढूंढ कर नहीं मिल रहा है, आप लोगों की एंड्रॉइड 10 हो कि एंड्रॉइड 9 हो, उसके ज़्यादा कम वर्जन की मैंने बहुत सारा वर्जन अपडेट अभी करने वाला होगा। जो फ्रेंड टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहेगा उसको ही पता चलेगा। ओके, तो ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ पर से देखो फाइल देखने को मिलेगा। ओके, तो फाइल के ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं गाइस अभी के लिए कुछ गेम स्पेस दिखाने वाला हूँ, उसके साथ साथ गाइस इस वीडियो कंप्लीट हो जाने के साथ साथ आप लोग वीडियो देखोगे तो गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पर से अपडेट करना है। ओके, उसके साथ साथ गाइस गेम स्पेस का बहुत सारा ओल्ड वर्जन भी आप लोगों को यहाँ पर से मिल जाएगा, जो डिवाइस के अंदर से गाइस आप लोगों को वर्जन चाहिए सपोर्ट करना नहीं कर रहा तो दूसरा वर्जन यूज़ करना चाहते हो वो भी अभी अपडेट करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर से देखो यहाँ पर से गाइस आप लोगों को जो एंड्रॉइड 10 एंड 9 एंड 8 हो कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से सभी डिवाइस के अंदर से वर्क कर जाएगा। ये गाइस यहाँ पर से देखो 2.0.168 ये वर्जन एंड्रॉइड 10 के अंदर वर्क करेगा, उसके साथ साथ गाइस 1.1.4 एंड्रॉइड 9 8 डिवाइस के अंदर से वर्क करेगा। ओके, एंड्रॉइड 9 एंड 8 डिवाइस के अंदर से वर्क करेगा ओप्पो डिवाइस, उसके साथ साथ और भी वर्जन है। यहाँ पर से देखो कहाँ पर चला गया, 4.0.2 ये वर्षन एंड्रॉइड 10 के अंदर वर्क करेगा, 2.0.60 वर्षन एंड्रॉइड 10 के अंदर वर्क करेगा। ये कई तरह के वर्षन है गाइस, आप लोग इस वर्षन को यूज़ कर सकते हो एंड्रॉइड 9 एंड 10, उसके साथ साथ और भी वर्षन आप लोगों की गाइस दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर से गाइस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देने वाला हूँ। उसके साथ साथ गाइस अभी क्या करने वाला हूँ, गाइस आप लोगों को अपडेट करना है तो फर्स्ट आप लोगों को डिवाइस के अंदर से जो गेम स्पेस है यहाँ पर से देखो सर्च कर लेना, उसको अनइनेबल बटन पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया कि कैसे अनइंस्टॉल करना है, अपडेट करना सब कुछ दिखाया था, फिर भी आप लोगों को दिखा रहा होगा इस यहाँ पर अनइंस्टॉल बटन शो करके अनइंस्टॉल कर देना। उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को चले जाना होगा टेलीग्राम चैनल पर अनइंस्टॉल कर देने के बाद, जिसका अनइंस्टॉल नहीं है तो कोई चिंता होने का कोई बात नहीं है, यहाँ पर से अपडेट करो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से देखो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से मान लीजिए आपका एंड्रॉइड 9 है तो एंड्रॉइड 9 का जो 1.1.4 वर्जन दिखाया था गाइस यहाँ पर से देखो 1.1.4 वर्जन एंड्रॉइड 9 के अंदर ये ज़्यादातर वर्क कर, इसके अंदर वॉइस चेंजर भी देखने को मिलेगा लेकिन वर्क नहीं करने वाला। ओके, तो यहाँ पर से 4.0.2 वर्जन एंड्रॉइड 10 के अंदर वर्क करेगा, उसके साथ साथ 2.0.60 वर्जन, उसके साथ साथ और भी वर्जन अपडेट करने वाला आप लोग देख लेना, जिसका जो वर्जन गाइस मैंने लिख दूंगी गाइस वो वर्जन कितना है। ओके, तो गाइस जो वर्जन लिख दूंगी गाइस उस वर्जन के मतलब से यूज़ करना होगा एंड्रॉइड 10 की एंड्रॉइड 9। ओके, वो लिख दूंगी आप लोग देख कर गाइस आंखों से देख कर इंस्टॉल करो गाइस, वीडियो नहीं देखा ऐसा डाउनलोड कर ले कंप्लीट कर ले नहीं हो रहा है बार बार कमेंट कर रहा हूँ ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। ओके,
तो जो वीडियो देखेगा उसको ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके तो गाइज अभी बात करूंगी कि गेम एंड्रॉइड वर्सन बहुत ही कम है, उसके साथ साथ गेमिंग जो सेटिंग है गाइज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट आप लोगों को मोबाइल बहुत स्लो हो गया, काम भी नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखो। दो बात गाइज ध्यान रखना होगा, स्टोरेज लोड नहीं होना चाहिए। नंबर वन, स्टोरेज नहीं लोड होना चाहिए, ज़्यादा फुल्ली लोड होगा तो गेम खेलना नहीं पाओगे। या जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वीडियो गाइज वो यहाँ पर से खाली कर दीजिए, बहुत ही खाली, 2 से 3 GB 8 GB खाली रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके उसके साथ साथ सेकेंड जो सजेस्ट करूँगी गाइज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल को गाइज ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना। ओके उसके साथ साथ आप लोगों को गाइज एक काम कर लेना चाहिए, मोबाइल स्लो हो गया तो गाइज आप लोगों को एक सेटिंग यहाँ पर से काम कर देना होगा, एडिशनल सेटिंग के अंदर चले जाना होगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर आने के बाद डेवलपर ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो अबाउट सेक्शन पर चले जाना, बिल्ड नंबर पर 7 times क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर से गाइज एक सेटिंग को ऑन कर देना होगा जहाँ पर सब लोगों को बहुत ही अच्छा कसम की सेटिंग चलने वाला है। यहाँ पर से जो है गाइज एनिमेशन 0.5 इसको ऑफ कर देना, तीनों ही ऑफ कर देना, यहाँ पर से सब कुछ ऑफ कर देगा तो बहुत ही फास्ट चलने वाला है। लेकिन गाइज सब लोगों को लास्ट को ऐसा सिलेक्ट करना, सेकेंड वाला जो थर्ड वाला है गाइज यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रहना, क्योंकि भाई इतना फास्ट काम करेगा ना तो लोड लेगा। ओके लोड मतलब घूमेगा, चक्कर घूमेगा कि इतना टाइम लगेगा, दो से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, तो स्लो करके रखना हल्का। तो गाइस आप लोग अभी क्या करना है, चले जाना होगा आप लोगों को गेम का अंदर जहाँ पर से गाइस कुछ सेटिंग दिखाने वाले हो। एंड्रॉइड वर्सन बहुत ही कम है, बहुत सारा ओप्पो डिवाइस, बहुत सारे फ्रेंड ओप्पो डिवाइस यूज़ करते हो, फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा देखो। ओके उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को और एक सेटिंग करना ना होगा, तो अबाउट सेक्शन जाके वो नहीं दिखा, अबाउट सेक्शन सॉरी अबाउट एडिशनल सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर से डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करके और एक सेटिंग गाइस यहाँ पर से गेम ड्राइवर को गाइस हम लोग को कॉन्वर्ट करना होगा, जहाँ पर से ये वाला देख लीजिए गेम ड्राइवर परफॉर्मेंस, इसको सिलेक्ट करके गाइस यहाँ पर से देखो, यहाँ पर सब लोगों को देखने को मिलेगा फ्री फायर। ओके तो फ्री फायर पबजी कोई भी गेम खेलते हो तो गाइस सब लोगों को ये डिफॉल्ट रहेगा, ऐसा डिफॉल्ट रहेगा। तो यहाँ पर से गाइस सब लोगों को क्या करना है, सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर, ओके सिस्टम का जो ग्राफिक्स है उसको सिलेक्ट करके रखना। उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी गेम के अंदर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, जितना सारा अपन देख रहे हो गाइस लाइक करना भूलना, सभी के पास से लाइक की उम्मीद करता हूँ। ओके तो चलिए गाइस अभी गेम को ओपन करके आप लोगों को कुछ सेटिंग दिखा देते हैं। गाइस आप लोगों को गाइस क्या करना पड़ेगा, सेटिंग के अंदर चले जाना होगा, तो आप लोगों को एंड्रॉइड वर्जन बहुत ही कम है, उसके साथ साथ गाइस आप लोग गेम खेलना चाहते हो गाइस आराम से गेम खेल पाओगे। ओके तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो गाइस यहाँ पर से देखो, फर्स्ट आप लोगों को एक सेटिंग बताना रहा हूँ, यहाँ पर होम पेज पर गाइस यहाँ पर से देखो जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर से देखो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से जो डाउनलोड कस्टम डाउनलोड है, ओके तो कस्टम पर गाइस यहाँ पर से जो डाउनलोड का ऑप्शन है गाइस यहाँ पर से डाउनलोड मत करना, क्योंकि आपका स्टोरेज खाली रखना है, गेम अच्छे से खेलना चाहते हो तो यहाँ पर से डाउनलोड ज़्यादातर डाउनलोड नहीं करना है। ओके उसके साथ साथ दो एक डाउनलोड करवा सकते हो लेकिन ज़्यादा डाउनलोड नहीं करना है। उसके साथ साथ आप लोग चले जाना होगा सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर आके गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से देखो जो यहाँ पर से गाइस जो डिस्प्ले लिखा है ना इसको पर क्लिक करो, जो डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ गाइस यहाँ पर से तीनों सेटिंग देखने को मिलेगा। गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा पबजी के अंदर ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, उसके अंदर गाइस सेम ऐसा सेटिंग देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पर से हर तरह गेम के अंदर ग्राफिक्स यहाँ पर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर से देखो ग्राफिक्स, अभी जो मोबाइल का ग्राफिक्स तो सेट कर दिया, अभी गेम का ग्राफिक्स आप लोगों को सेट करना है। ओके तो आप लोगों का गाइस ज़्यादातर एंड्रॉइड 9 चल रहा है, उसके साथ उसके नीचे एंड्रॉइड वर्सन 8 चल रहा है, तो गाइस आप लोगों को स्मूथ करके रखना चाहिए। ओके या बस स्मूथ, उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मूथ जो सेटिंग है गाइस एंड्रॉइड 9 एंड एंड्रॉइड 8 है, तो इस स्मूथ करके उसके बाद गाइस आप लोगों को एक काम करना होगा, यहाँ पर से देखो जो आप लोगों एक सेटिंग यहाँ पर से जो ब्राइट है गाइस यहाँ पर से अल्ट्रा सिलेक्ट करके फर्स्ट यहाँ पर से क्लासिक को सिलेक्ट कर देना, उसके बाद ब्राइट स्मूथ को सिलेक्ट कर लो। ओके उसके बाद गाइस एंड्रॉइड 9 हो कि एंड्रॉइड 8 हो, ये स्मूथ करके खेलोगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा और स्टोरेज को खाली रखना चाहिए। ओके उसके साथ साथ जिसका एंड्रॉइड वर्सन 11 है एंड एंड्रॉइड वर्सन 10 है तो अल्ट्रा गाइस यहाँ पर से स्टैंड अप करके खेल सकते हो एंड्रॉइड वर्सन 11, लेकिन फोन स्टोरेज 4 GB है। ओके तो गाइस ऐसा होता है, तो यहाँ पर से गाइस स्टैंड अप करके खेलोगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा, यहाँ पर से ब्राइट को सिलेक्ट करके रखोगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। जिसका हाई क्वालिटी 6 GB रैम है तो अल्ट्रा करके भी खेल सकते हैं, यहाँ पर से कोई भी ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके तो गाइस ये जो सेटिंग देगा आप लोग हो सकते हैं समझ में आ गया, तो सेट करके खेलोगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। ओके तो ऐसे सेट करके खेलना। उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
ये जो सेटिंग दिखा दे, इस सेटिंग को सेट करके आप लोग अच्छे से गेम खेल पाओगे। ओके, तो आज का वीडियो कैसे लगा गाइस जरूर कमेंट करके बताओ। और गाइस आप लोग की भाई जल्दी से जल्दी गाइस गिव अवे आने वाला है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भूलना मत।